सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माता वैष्णो देवी व्लॉग के पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही रिलीज़ हो चुके हैं, यह है पार्ट थ्री। तो पार्ट वन में हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, पार्ट टू में हमने बाढ़ गंगा देखी और चरण पादुका के दर्शन किए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। तो ये वीडियो हमने पिछले पार्ट में से कुछ सीन कट करके इसमें लगाए हैं ताकि आप लोग रिमाइंड कर सकें पार्ट टू को। तो आइए चलते हैं अब पार्ट थ्री की तरफ, बोलिए जय माता दी। तो हम चरण पादुका से दर्शन करके आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पहले अपने आप को ये समझा लिया था कि दर्शन करेंगे, आराम आराम से जाएंगे, थकावट नहीं होनी चाहिए, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत ही इंतज़ार करते करते, आराम करते करते गए, ऊपर बहुत मज़ा आया। तो देखिए अब हम लोगों ने चलना शुरू किया है और मिस्टी को उठा के ले जाना था क्योंकि मिस्टी गाड़ी से गई नहीं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा था। तो इसलिए मिस्टी को हमें अपने टर्न वाइज, जिसका इसका टर्न है, उसे गोदी में ले जाना पड़ा। तो आइए आगे चलते हैं और रात हो चुकी है, रात का नज़ारा कुछ और होता है। और देखिए धीरे धीरे करते हम इतने ऊपर आ चुके हैं, वो नीचे जहाँ आप लाइटिंग देख रहे हैं जो ढंग से दिखाई नहीं दे पा रही है क्योंकि कैमरे से इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप आइडिया लगा पा रहे हैं तो वो है कटरा रेलवे स्टेशन मान लीजिए, वो कटरा मार्केट मान लीजिए, और वहाँ से हम इतनी ऊपर आ चुके हैं। तो सोच लीजिए सिर्फ हमें अपने चरण पादुका ही पार किया है, उतनी ऊपर हम आ गए हैं। तो सोचिए माता का भवन कितनी दूर है और कितना ऊपर हमें अभी और जाना है। लेकिन एक उमंग है, एक एनर्जेटिक एटमोसफेयर है यहाँ पर। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे, बहुत ऊँची चढ़ाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद हर कोई माता का नाम लेता है, जय माता दी कहता है। ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा वातावरण है यहाँ का कि आदमी खुद ब खुद जो है दो कदम चलता है और चार कदम आगे बढ़ता है। तो ये माता की मेहरबानी है, बोली जय माता दी। अब यहाँ मिस्टी को आप देखिए अपनी दादी का डंडा लेके बहुत मज़े कर रही है और जो है इसको थकावट नहीं हो रही है। तो ये भी माता की मेहरबानी है, कुछ देर क्योंकि चल भी रही है, अपना एंजॉयमेंट भी कर रही है। और यही सारी चीज़ें करते करते हम हर थोड़ी दूर पर बैठ रहे हैं और इसीलिए हमें ज़्यादा थकावट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी चढ़ाई है तो वो तो है ही है, जो थकावट है वो अपनी जगह है। तो धीरे धीरे रात का टाइम है, इस वजह से जो है आप देख रहे हैं भीड़ कम होती जा रही है क्योंकि रात के टाइम पे कम ही लोग सफ़र करना या चढ़ाई करना पसंद करते हैं मुकाबले दिन के। दिन में ज़्यादा भीड़ होती है, रात में थोड़ी कम होती है। हालांकि बिल्कुल सुनसान नहीं होता, लोग मिलते रहेंगे आपको, लेकिन हाँ फ़र्क रहता है, जो कि होना भी चाहिए रात के टाइम पर। अगर ऐसा है आपके पास, आपको लगता है कि नहीं, तो आप अपना इंतज़ाम करके चलिए और दिन में ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख रहे हैं कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जो छोटे बच्चों को या सामान को अपने वो छोटी वाली गाड़ी जो आपने देखी मिस्ट्री जिसमें बैठी थी उसमें ले जा रहे हैं। तो सब लोगों का मेन फोकस है दर्शन करना, और दर्शन करना ही जो है सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लाइटिंग है और बैठने की व्यवस्था देखिए आपने बना रखी है यहाँ पे टीम ने, तो मज़ा आ रहा है। देखिए कितना अच्छा दृश्य देखने को लग रहा है, नीचे पूरी लाइटिंग है मार्केट में और हम इतनी ऊपर हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब मैं आपको, क्योंकि मोबाइल में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सामने से ये नज़ारा देखेंगे तो सीरियसली ये बहुत सुंदर है। देखिए किस तरह से सीढ़ी नुमा इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है, लोगों को भक्तों के आराम के लिए है, तो यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब मिस्टी का टाइम आ गया मेरे पास आने का, तो मिस्टी को मैं कंधे पे बैठा के और अपने धीरे धीरे जय माता दी करके हम चढ़ रहे हैं। सब माता की मेहरबानी है, बोली जय माता दी। आइए आगे चलते हैं। हर कोई मिस्टी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस्टी कहाँ हाथ आने वाली है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, या अपने अलग ही मज़े में है, इसको कुछ पता नहीं लग रहा है कि हम लोग कैसे इसको ले जा रहे हैं। और ठीक है, इसको देख के हमारा भी टाइम पास बढ़िया हो रहा है, हमें भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। तो यही सारी चीज़ है, मैं टाइम टू टाइम देख रहा हूँ आपको अलग अलग एंगल से और अलग अलग साइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे का नज़ारा, क्योंकि मैं बहुत लोभित हो गया ये नज़ारा देख के, ये व्यू देख के। तो इसलिए मैं चाहता था कि आप लोगों तक ये व्यू पहुँचा पाऊँ और कोशिश भी पूरी कर रहा हूँ।
आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है। आप लोग ज़रूर आएँ वैष्णो देवी एक बार दर्शन करने, माता के। मैं कहूँगा कि दर्शन करने का एक अलग टारगेट है, लेकिन दर्शन से पहले जो ये चढ़ाई करने के सीन हैं, चढ़ाई करने के टाइम पे जो आप हंसते हैं, थकते हैं, देखते हैं नज़ारा, इन्जॉय करते हैं सफ़र को, जय माता दी बोल के आगे बढ़ते हैं, जो एनर्जी है, जो एटमोसफेयर है, उसका एक अलग जो है आनंद है, उसको आप लोग फील करिए, उसको महसूस करिए, आके उसको एक्सपीरियंस करिए, बहुत अलग ही बात है। देखिए सामने लिखा है जय माता दी, बोलिए एक बार जय माता दी। तो हर तरफ एक अलग ही माहौल है, जय माता दी हर तरफ है, देखिए भक्तों की भीड़। और यहाँ पे ये एक वो पॉइंट आ गया जहाँ से दो मार्ग निकलते हैं, एक लिखा है हिमकोटी मार्ग और एक लिखा है हाथीमत्था मार्ग। ये दोनों ही रास्ते माता के भवन को जाते हैं। तो ये हिमकोटी मार्ग जो है नया बना है और हाथीमत्था मार्ग जो है पुराना है। तो हिमकोटी मार्ग 1 किलोमीटर थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें चढ़ाई थोड़ी कम है जैसा कि लोग यहाँ पे बताते हैं। तो लेकिन अभी हम लोग अर्धकुंवारी तक हमने सोचा हाथीमत्था मार्ग से ही जाएंगे। अर्धकुंवारी के बाद अगर सिचुएशन रही तो हम डिसाइड करेंगे चेंज करने का। तो अब आ गया सामने, आप बोर्ड पे देख रहे हैं वे टू अर्धकुंवारी। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? अर्धकुंवारी पहुँचना। अर्धकुंवारी वही जगह है जहाँ पर माता 9 महीने गर्भ में रही थी। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आइए आगे चलते हैं। बोलिए जय माता दी। तो ये आप देख रहे हैं वेटिंग हॉल है यहाँ पर, विश्राम कक्ष। तो यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि अंदर जगह नहीं मिली, इस वजह से लोग कुछ बाहर भी सोए हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था है जो टीम के द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा करी जाती है, वो ये है कि आप यहाँ पे 100 रुपये जमा करके एक कंबल ले सकते हैं और फिर वो 100 रुपये आपको वापस कर देंगे जब आप नेक्स्ट डे, आपको वो कंबल, मतलब वो 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे और कंबल आपको जमा करना होगा। तो इस तरह आपके पैसे भी नहीं लगते और रात भर के लिए आपको कंबल मिल जाता है जिससे आप बिछाकर ओढ़कर सो सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं बहुत सराहना करता हूँ इस चीज़ की, ऐसा होना चाहिए भक्तों के लिए। और ये अर्धकुंवारी की जो है जगह हम पहुँच चुके हैं, ये डिस्पेंसरी है माता रानी की कृपा से। अगर किसी कोई प्रॉब्लम ना हो वैसे, लेकिन अगर कुछ भी हल्का फुल्का दर्द या कुछ ऐसा होता है तो ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पर जाकर आप लोग दवाई भी ले सकते हैं। ये भी श्राइन बोर्ड की तरफ से है। और वेटिंग हॉल आपने देखा, डिस्पेंसरी आपने देखी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है इस वजह से लोग अपनी अपनी नई व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर जो है आपको धर्मशाला भी एक मिलेगी, वो भी हम आगे दिखाने वाले हैं आपको। तो ये सारी चीज़ है। अर्धकुंवारी जो है एक तरह से मेन स्टॉपेज कह सकते हैं, ये आधे पे पड़ता है बिल्कुल, मतलब आप जो जहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं बाणगंगा से और उसके बाद जब आप पहुँचते हैं माता के भवन तक, उसके बीच में जो है ये अर्धकुंवारी पड़ता है। तो आधी दूरी हम लोगों ने लगभग तय कर ली है। तो यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पे आप लोग जो है सामान कुछ माता के लिए, माता की चुन्नी वगैरह जो है घर के लिए खरीद सकते हैं। आरती भोजनालय, यहाँ पर आकर आप लोग भोजन कर सकते हैं। सागर रत्न, तो कुछ ब्रांड हैं, कुछ दुकानें हैं लोकल जहाँ पर आप अपने आके नाश्ता या खाना खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी उपलब्ध है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है भोजनालय। तो अगर आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड रेट पर आप लोग खाना खाएं, तो अब भोजनालय यहाँ पर हर जगह जगह पर उपलब्ध हैं जो कि माँ वैष्णो देवी की टीम की तरफ से हैं। अभी आपने देखा भगवती भवन, ये धर्मशाला है, यहाँ पर आके आप लोग वेट कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठीक है, ये अर्धकुंवारी का भोजनालय काउंटर जो मैंने आपको भी बताया। तो ये है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ है, अलग ही रौनक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है गर्भ जून का रास्ता, मंदिर का रास्ता। यहाँ से आप लोग जो है पहले टिकट कटवाते हैं, टिकट काउंटर अलग है और यहाँ पे नंबर लगता है, नंबर जब आपका आता है तो आप लोग यहाँ से अंदर घुसते हैं। और वो जो आप ग्रीन लाइट ऊपर देख रहे हैं, चोटी बनी हुई है, वही मंदिर है, वहीं पर ही माता की गुफा है जहाँ पे माता 9 महीने गर्भ में रही थी। तो यहाँ के दर्शन भी एक सौभाग्य की बात है। और हम लोग अभी जो है अपना नंबर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा नंबर आ पाता है या नहीं।
तो ये भीड़ है यहाँ पे, बहुत खुली जगह है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पर भी लोग आराम करते हैं। ये देखिए गर्भजून पर्ची काउंटर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर पर्ची कटती है और हम लोगों ने पर्ची कटवा ली। अब ये देखिए शैलपुत्री भवन, अभी हमने देखा था भगवती भवन और ये है शैलपुत्री भवन, ये भी जो है धर्मशाला टाइप जो है, यहाँ पर भी आपको बेड्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आप लोग आराम कर सकते हैं। अब ये लिखा है वे टू भवन, भवन का रास्ता, तो यहाँ से अब हम लोग अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे भवन के लिए, तो भवन का रास्ता यहाँ से चालू हो जाता है। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोग यहाँ पर भी आराम कर रहे हैं, भक्त यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जहाँ जैसे जगह मिले अपना आराम करते रहिए, क्योंकि माता के भवन सब पहुँच रहे, सारे भक्त एक बराबर हैं। बोलिए जय माता दी, आइए आगे बढ़ते हैं, जय माता दी। तो अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में, जब तक के लिए जय माता दी, लाइक शेयर।